हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब रैंप सिग्नल का ग्राफ गिवन हो उससे रैंप रैंप की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो देखो, इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। इससे पहले मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, उसमें दो क्वेश्चन बताए थे, वीडियो बड़ा हो गया था, तो तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो मैंने बताया था वहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हर लाइन का स्लोप लिखते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, स्लोप लिखना। तो वही काम यहाँ पर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा देखना शुरू करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा यहाँ से हम चले, तो पहले मुझे ये मिला भाई साहब, अगर ये मिला है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है हमेशा जीरो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है जीरो। नेक्स्ट हम क्या करें, -4 पा के लाइन नीचे की तरफ चली गई, तो इसका स्लोप फाइंड करेंगे। तो इसका यह स्लोप रहने वाला है, तो क्या होगा, देखो स्लोप फाइंड करने के लिए क्या चाहिए मुझे, दो पॉइंट चाहिए होते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, दो पॉइंट चाहिए होते हैं। तो एक पॉइंट तो मेरा देखो यहाँ पर आ रहा है, ये -4,0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाई की वैल्यू तो जीरो होने वाली है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा -4,0। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, ये कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -3,-1। ठीक है, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -1, तो दो पॉइंट मुझे मिल चुके हैं, -3,-1। तो पहले वाले को नाम दे दिया मैंने x1 y1, दूसरे को कह दिया x2 y2। तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 - y1, तो y2 है मेरा -1, y1 है 0, x2 है मेरा -3 और x1 है -4। तो ध्यान रखना, जब दो माइनस आ जाए तो एक को ब्रैकेट में लिख लो। तो -1 -0 -1 बचा, और ये हो जाएगा -3, दो माइनस आते हैं तो माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 4 -3 + 4 होता है 1। यानी स्लोप कितना आ गया इसका, नीचे जो जा रहा है कितना आ गया, हमेशा नीचे वाली लाइन जाने वाली लाइन का स्लोप होता है माइनस का। ठीक है, तो इसका आ गया -1। अब आगे देखो ध्यान से, लाइन फिर चेंज कर रही है अपना नेचर, और क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। -3 के बाद क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो मुझे लाइन पे कोई भी दो पॉइंट चाहिए। देखो एक तो यही है, एक यहाँ पे मिल रहा है -1.5,0, एक यहाँ पे मिल रहा है ये 0,1 हो जाएगा। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना कुछ लोग इसको 1,0 लिख देते हैं, लेकिन है क्या ये 0,1, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 0 रहेगी ना यहाँ पे। तो कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूँ मैं, सबसे आंसर सेम आने वाला, क्योंकि पूरी लाइन पे ही तो वो एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट ले लो। तो पहले लिख लेता हूं मैं -3,-1, और सेकंड पॉइंट ले लेता हूँ, या तो मैं -1.0 लिख सकता हूँ या 0,1 को ले सकता हूँ। ठीक है, चल 0,1 ही आसान रहेगा मेरे हिसाब से। तो आगे देखो, बस इसका स्लोप निकाल दो उससे, तो y2 इसको नाम दे दो x1 y1, x2 y2, y2 वैल्यू 1 है और y1 की है -1, तो दो माइनस आ रहे हैं एक साथ, ब्रैकेट में लिखेंगे। x2 है मेरा 0 और x1 है -3, तो कितना हो गया ये 1 + 1 हो जाएगा, ये दो माइनस आते हैं तो प्लस हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाएगा ये 0 + 3, कितना आ गया ये 2/3। ठीक है, तो ये ऊपर वाले जाने वाली लाइन का स्लोप कितना आया, 2/3। ठीक है, याद है, थोड़ा सा गोले में इसको लिख लो। आगे चल चलते, फिर 0 के बाद क्या हुआ, 0 के बाद इसने फिर क्या करा, ये नीचे फिर जाने लगी, तो इसका मतलब इसका स्लोप आएगा 0। हमें पता है नीचे जाने वाली का स्लोप सॉरी नेगेटिव आता है। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जल्दी से मुझे बता दो बस। इस वाले के क्या होंगे, 1,0, उस वाले के 0,1 है ही ऑलरेडी, तो लिख देता हूँ मैं बस इक्वेशन। ठीक है, इस वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ, हाथों हाथ इसको कॉपी करते रहना। देखो स्लोप हम क्लास 9 से ही पढ़ने शुरू कर देते हैं, तो ये आ गया 0,1, ये आ जाएगा 1,0। स्लोप निकालने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, फिर यार मैं बता रहा हूँ ताकि एक एक पॉइंट मिस ना हो। तो y2 - y1 x2 - x1, तो कितना आ गया ये -1/1 यानी -1, तो ये नीचे जा रही है, इसका इसका स्लोप कितना आया, -1। आगे देखो, फिर 1 के बाद ये क्या जाने लगी, ऊपर जाने लगी, तो इसको ऊपर जब मैं भेजूंगा क्या होगा, कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है, तो एक और पॉइंट मिल जाए कैसे भी मुझे। तो ये मिलता रहा, ये 1.5,2, 1.5 x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू कितनी है वहाँ पे 2, दो पॉइंट मिल गए 1,0
और 1.5, 2। तो मैं इसको मिटा देता हूँ बाकी वाले को, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई साहब, इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पे, कितना था 1.0 और ये कितना 1.5, 2। यही है, ठीक है। तो इसका बस स्लोप लिख रहा था, Y2 है मेरा 2, Y1 है 0, X2 है मेरा 1.5, X1 है 1। तो कितना बचा, एक 2 और यहाँ पे बचा 0.5। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4, ठीक है। इसका ऊपर जाने वाली लाइन का स्लोप कितना है, 4, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो इस वाले के साथ इसका। अब नीचे जा रही है लाइन, उसका भी लिख देते हैं भाई साहब। ये नीचे जा रही है और चलती चले आ रही है, ठीक है, रुकने का नाम नहीं ले रही, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। तो कोई दो पॉइंट पता कर लो इस लाइन के, एक ये पता ये ऊपर, दूसरा वाला हो जाएगा ये, यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 रहने वाली है एक्स एक्सिस पे, 2.0। तो बस इन पॉइंटों से मैं क्या करूँगा, निकाल दूंगा। तो पहला है मेरा 1.5, 2 और अगला क्या है 2.0। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, y2 - y1, x2 - x1। ये कितना बचेगा, माइनस का 2 और नीचे बचा ये 0.5। कितना बचेगा, इसको 2 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, अभी क्या था माइनस का 4। तो ये नीचे जो जा रही लाइन, इसका स्लोप होगा माइनस का 4। इतना काम करने के बाद अब क्या होगा, हमारा इक्वेशन लिखने वाला काम शुरू, ठीक है। फिलहाल इक्वेशन लिखने वाला काम शुरू करते हैं। तो स्लोप लिखना शुरू करते हैं, स्लोप कैसे लिखते हैं, सॉरी इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। तो इक्वेशन लिखने का तरीका बहुत आसान है, एक्स ऑफ टी कहाँ पे मिला था सबसे पहला चेंज, -4 पे, ठीक है। तो माइनस, तो क्या करेंगे, इससे आगे वाली लाइन का स्लोप कितना, -1, इससे पीछे वाली का 0। तो आगे वाली लाइन के स्लोप में से पीछे वाली लाइन का स्लोप घटा देंगे, ठीक है। तो पोजिशन उसकी -4 रहेगी, ठीक है। तो आगे वाली लाइन का स्लोप है -1 है, पीछे वाले का स्लोप जो 0 है, और आर ऑफ कितना किसके पे मिल रही है, माइनस पे। तो ये कितना आएगा, t+4। t+4 क्यों आएगा, ऐसे सोच सकते हैं t+4 = 0, यानी t = -4। इस तरह से सोच सकते हैं, इसकी पोजीशन प्लस में रहेगी। आगे देखो फिर ध्यान से जाके, कहाँ पे चेंज मिला, -3 पे। -3 पे आके ये ऊपर की तरफ गई है, कहाँ तक गई है, 0 तक गई है, ठीक है, x = 0 पे वाले पे गई है ना। तो लिखते हैं इसका भी भाई साहब इसी तरीके से। तो इसका स्लोप कितना, आगे वाली इससे जो -3 पर आगे वाली का स्लोप कितना, 2/3, और पीछे वाली का -1। तो दोनों घटा के लिखेंगे इसमें भी, एकदम सेम रूल सबके लिए, आगे वाली का स्लोप 2/3 माइनस पीछे वाली का स्लोप कितना, -1। थोड़ा सा बस माइनस प्लस का ध्यान रखना, और कहां पे मिल रहा है, -3 पे, यानी rt+3, ठीक है। अब आगे ये चलती गई, फिर 0 पे जा गए, x = 0 पे आके ये नीचे शुरू हुई है। तो 0 पे लिखेंगे, इससे आगे वाली का स्लोप -1, पीछे वाली का 2/3। तो आगे वाली में से पीछे वाली का घटाते हैं, आगे वाली है -1, पीछे वाली है 2/3, आर ऑफ टी माइनस 0, ठीक है। आगे फिर ध्यान से चलते जाए, फिर कहाँ पे जाके मिला चेंज मुझे, 1 पे। तो 1 से आगे वाली का स्लोप 4, पीछे वाली का -1। आगे वाली का स्लोप 4 और पीछे वाली का -1, आर ऑफ कहाँ पे मिला हमें, 1 पे, ठीक है। आगे यहाँ फिर ऐसे चलते गए, तो मुझे कहाँ पे मिला, 1.5 पे जाके, 1.5 पे ये नीचे शुरू हो गए शुरू। तो इससे 1.5 के बाद आगे वाली का स्लोप है -4 और पीछे वाली का 4। तो आगे वाले का स्लोप है भाई साहब -4 और पीछे वाले का स्लोप कितना है, पीछे वाले का स्लोप 4, आर ऑफ टी कहां पे मिला है, 1.5 पे, ठीक है। बस इसको बस सिंप्लीफाइड करना, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा x(t) = 2। ओके, देखिए थोड़ा मैंने ग्राफ को इधर कर दिया ताकि इक्वेशन लिखने में आसान रहे, यहाँ तक ले दिया था, बस अब इसको सिंप्लीफाइड करना हमें। तो -1 - 0 कितना आ जाएगा, -1। तो -1 r ऑफ t+4,
और ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, टू माइनस माइनस वन को ये क्या आ जाएगा, टू प्लस वन, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, ये तीन प्लस दो प्लस तीन यानी फाइव बाय थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये कितना, फाइव बाय थ्री आर ऑफ टी प्लस थ्री। आगे फिर ध्यान से देखो, यही चीज मिल रही है मुझे लगभग, माइनस वन माइनस टू बाय थ्री, तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेकर, ये यहाँ पर लिया तीन माइनस का तीन माइनस का दो, कितना आ जाता आ जाएगा, माइनस का फाइव बाय तीन, तो प्लस माइनस माइनस ये होता है यानी माइनस आ जाएगा, माइनस फाइव बाय थ्री, फाइव बाय थ्री कहाँ पे, आर ऑफ टी। इस वाले पार्ट को मिटा दूं थोड़ा सा। आगे देखो, चार माइनस माइनस वन कितना हो जाएगा, चार माइनस माइनस वन, दो माइनस एक साथ आ रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा पांच, ये माइनस था यहाँ, ठीक है ध्यान से, तो कितना हो जाएगा ये प्लस का पांच आर ऑफ टी माइनस वन। आगे आगे क्या सोल्व करते हैं, आगे क्या है, माइनस चार कितना होता है, माइनस का आठ, तो लिख दो बस इसको, माइनस का आठ आर ऑफ टी माइनस वन पॉइंट फाइव, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर, ठीक है, ये क्या हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से देखो बहुत आसान है लिखना, एक बार स्लोप लिखाने की प्रैक्टिस उंगलियों पे होनी चाहिए, उसके बाद ये सब घटाना बटाना एक साथ होता है, घटाना जोड़ने वाला काम, ठीक है, एक ही लाइन में काम खत्म हो जाता है थोड़े से क्वेश्चनों के अगर प्रैक्टिस करोगे तो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। ये सबसे आसान मुझे लगता है मेथड है, इससे आसान नहीं है लिखने का कोई भी, उसमें और जो तरीके बताते हैं उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें चीज़ें याद रखनी रहती हैं। इसमें स्लोप लिखना, जो स्लोप हम क्लास नाइन से लिखते आ रहे हैं, कोई भी लिख देगा, उसके बाद जिस पॉइंट पे आगे चेंज हो रहा है तो उससे क्या करना, उससे आगे वाले का स्लोप माइनस पीछे वाले का स्लोप, ये करते हुए चले आना और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अभी तक हमने खत्म किया स्टेप का, रैंप का, अगले से आएंगे स्टेप और रैंप जब मिक्स होकर आते हैं, ठीक है, तब उसके इक्वेशन कैसे लिखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।